बिटटोरेंट। बिटटोरेंट का प्राइस कब इंक्रीज होगा, कब उसका प्राइस एक रुपए में जाएगा। सलाम नमस्ते वालेकुम सत श्री अकाल, कैसे हैं आप लोग, उम्मीद है आप लोग बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होंगे। बिटटोरेंट का रिगार्डिंग ये जो सवाल से ये जो क्वेश्चन है वो मेरा फीड पे आजकल मिलना आम बात है। लोग इंस्टाग्राम पे जाके डीएम करते हैं या पे कमेंट्स पे जाके पूछते हैं कि भाई बिटटोरेंट के ऊपर अपडेट दीजिए, बिटटोरेंट का प्राइस जो है वो कब इंक्रीज होगा। और ये लोग जो है वो नया इन्वेस्टर नहीं है, मार्केट में लास्ट टाइम जब ऑल टाइम हाई में गया था मार्केट तब उन्होंने काफ़ी सारे लोगों ने यहाँ पे बिटकॉइन कॉइन को बाई करके रखा हुआ था बहुत ही ज़्यादा हाई प्राइस में, जो कि अभी उनको बहुत ही ज़्यादा नुकसान में देखने को मिल रहा है। और कुछ लोग जो है नया अभी एट प्रेजेंट यूजर्स है जो नए नए यहाँ पे मार्केट में आ रहे, उन लोगों ने भी बिटकॉइन को बिटटोरेंट कॉइन को यहाँ पे बाई करके रखा हुआ है। बिटटोरेंट कॉइन जो है वो वेब थ्री का वन ऑफ द फाइनेस्ट प्रोजेक्ट है जिसके बारे में हम सबको बताएं। तो चलिए आज इस वीडियो में हम बात करेंगे बिटटोरेंट का रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, कुछ इंपॉर्टेंट प्राइस प्रेडिक्शन। साथ ही अगर हम इस वीडियो में वेब थ्री का एक वन ऑफ द फाइनेस्ट प्रोजेक्ट के बारे में बात करेंगे जो कि आप यहां पर स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, पुश प्रोटोकॉल। पुश प्रोटोकॉल के बारे में एंडिंग में हम बात करेंगे कि क्या है प्रोजेक्ट और किस तरह के किस तरीके से आपको आने वाले टाइम में बहुत ही अच्छा रिटर्न बना के दिखा सकता है। तो चलिए इसके साथ वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग हमें पहली बार देख रहे हैं, हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पे क्लिक कर देना। तो चलिए इसके साथ आगे बढ़ते हैं। दिस इज इमरान हुसैन एंड यू वाचिंग क्रिप्टो केबल। बिटटोरेंट हम सबको पता है पेनी टाइप का कॉइन में वन ऑफ द फाइनेस्ट वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट प्रोजेक्ट है। हालांकि माइग्रेशन का बाद से इसने इतना अच्छा रिटर्न नहीं दिया है, लेकिन माइग्रेशन का पहले इसने काफी लोगों को यहाँ पे बहुत बढ़िया बढ़िया रिटर्न बना के दिया है। काफी पुराना कॉइन है टोरेंट जो है, टोरेंट नाम से हम इसको 2009 से जानते हैं जब कंपनी एस्टेब्लिश हुआ था। फिर 2018 में इसको जस्टिन सन ने एक्वायर किया, मतलब ट्रॉन का फाउंडर ने। तो इसके बाद से इसमें काफी कुछ चीजें जो है डेवलप हुआ। तो चलिए हम सीधा चलते हैं अभी स्क्रीन पे, उसके बारे में बात करेंगे कभी दूसरा वीडियो में कंप्लीट डिटेल में बात करेंगे, लेकिन आज हम सिंपली यहाँ पे बात करेंगे कि कब इसका प्राइस इंक्रीज होगा और क्या क्या अपडेट्स हाल फिलहाल हमको देखने को मिल रहा है बिटटोरेंट कॉइन में। तो चलिए सीधा स्क्रीन पे। तो सबसे पहले आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे बिटटोरेंट का प्राइस जो है यहाँ पे डॉलर के अगर हम बात करें तो यहाँ पे डॉलर पे पहले 6.0 है, फिर 7 का सीरीज है, मतलब काफी अच्छा यहाँ पे ऊपर उठ के आया है, 7 का सीरीज में चल रहा है यहाँ पे। अभी अगर हम बात करें इसको INR में देख लेते हैं एक बार, INR में देखना काफ़ी सारे लोग जो है वो प्रीफर करते हैं INR पे देखना। तो INR में इसका प्राइस जो है इंडियन करेंसी में यहाँ पे पॉइंट के बाद यहाँ पे 4.0 है, फिर 6 का सीरीज जो है वो यहाँ पे चल रहा है। तो बिटटोरेंट वन ऑफ द फाइनेस्ट वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट प्रोजेक्ट है, हम सबको ये पता है। मतलब ये इसका रीज़न क्या है, देखिए किस लिए आपको इसको लंबे टाइम तक होल्ड करना चाहिए और किस लिए ये आपको बहुत ही बढ़िया रिटर्न देगा। पहली बात, ये तो वेब थ्री का फाइल सिस्टम में मतलब फाइल शेयरिंग में बहुत बढ़िया मदद करता है, डिसेंट्रलाइज तरीके से आप फाइल जो है वो शेयर कर सकते हैं बिटटोरेंट के जरिए। सेकेंड, ये ट्रोन का इकोसिस्टम का एक कॉइन है। थर्ड, ये पेनी टाइप का कॉइन है, वन ऑफ द फंडामेंटली स्ट्रॉन्गेस्ट कॉइन है। और फोर्थ अगर हम बात करें तो ये वेब थ्री का जो चीज़ें हैं उसमें एडवांस लेवल पे काम कर रहा है, एडवांस चीज़ों पे काम कर रहा है। BDFS का अभी एट प्रेजेंट जो है 2.0 फाइल सिस्टम, BDFS मतलब बिटटोरेंट फाइल सिस्टम जो है रिसेंटली इसने 2.0 जो है वो लॉन्च कर दिया है, वो अभी लाइव चल रहा है। काफ़ी कुछ चीज़ें एडवांसमेंट चल रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंटली अगर हम बात करें यहाँ पे ट्विटर अकाउंट पे इनका, बिटटोरेंट का ट्विटर अकाउंट पे जाएंगे तो इनका कम्युनिटी जो है, इनका सोशल मीडिया हैंडल्स जो है वो डेली बेसिस पे कोई ना कोई पोस्ट डालते हैं, मतलब इतना एक्टिव रहते हैं ये हमेशा। तो इससे क्या पता चलता है कि कम्युनिटी एक्टिव है, डेफिनेटली प्रोजेक्ट जो आने वाले टाइम में बहुत बढ़िया रिटर्न देगा। हमको पता है कम्युनिटी जो है टोकन को ड्राइव करने के लिए मतलब काफ़ी है। नीचे जाएंगे तो यहाँ पे कुछ BTFS का यहाँ पे जो मतलब टोटल माइनस है 2.6 मिलियन से यहाँ पे इंक्रीज हो चुका है, टोटल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो 96 मिलियन से यहाँ पे इंक्रीज हो चुके हैं और टोटल रेवेन्यू जो है वो 18,621 बिलियन से यहाँ पे जो है वो इंक्रीज हो चुका है। और टॉप थ्री कंट्रीज में जर्मनी, US और फिनलैंड है मतलब माइनिंग करने में। तो ये चीज़ें जो है ये क्रिस्टल क्लियर रखते हैं अपना व्यूअर्स के लिए, अपना होल्डर्स के लिए, अपना सभी कुछ चीज़ों के लिए। तो ये चीज़ें सबसे बढ़िया है इन लोगों का, मतलब बिटटोरेंट का। अगर आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं उनका जो BTFS का गेटवे जो है 2.0 यहाँ पे लाइव हो चुका है। तो ये लाइव होना ये सपोर्ट क्या करता है, एक्सेस रिसोर्सेज थ्रू CIDs, अपलोड कंटेंट एट नो कॉस्ट, ये सबसे बड़ी बात है। फिर मोर कंप्लीट मेटाडाटा डिस्प्ले। और ये प्रोजेक्ट जो है वेब थ्री में आने वाला टाइम में जब सभी कुछ चीज़ें जो है वो डिसेंट्रलाइज्ड हो जाएगा तो वेब थ्री में ये आपको मतलब नेक्स्ट लेवल का यहाँ पे एक्सपीरियंस जो है वो दे सकता है। आपका फाइल शेयरिंग जो है, जैसे कि आज
आज का दिन अगर हम मान लेते हैं व्हाट्सएप फेसबुक के जरिए जो भी चीज़ें हम ट्रांसफ़र करते हैं एक सेंट्रलाइज अथॉरिटी के जरिए हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं, लेकिन ये आपको ये अपॉर्चुनिटी देता है कि आप डिसेंट्रलाइज मतलब कोई भी बीच में सेंट्रल अथॉरिटी बिना होके आप अपना डायरेक्ट पीयर टू पीयर फाइल जो है वो यहाँ पे सेंड कर सकते हैं। ये है इस कॉइन का खासियत, ये है इस प्रोजेक्ट का खासियत। तो ये अभी शायद हमको इतना रिटर्न देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन प्रोजेक्ट हमसे आपको पता है दुनिया बदल रहा है डे टू डे डेली बेसिस पे। यहाँ पे कुछ चीज़ें जो है वेब थ्री कम्युनिटी में कुछ चीज़ें जो है वो नया आ रहा है, तो इसी के लिए आने वाला टाइम में इसका प्राइस आपको इंक्रीज होते हुए देखने को मिलेगा। बिटकॉइन का प्राइस आपको बहुत ही तगड़ा तरीके से इंक्रीज होते हुए देखने को मिलेगा। और इसका अगर हम बात करें किस किस कंपनीज के साथ इसका टाई अप किया हुआ है, फेसबुक गूगल जैसा बड़े बड़े कंपनी जो है वो इसका प्रोटोकॉल को यूज़ कर रहे हैं। इनका वेबसाइट पर अगर जाएंगे तो नीचे जाएंगे स्क्रॉल करके तो आपको वहाँ पर दिख जाएगा क्लियरली कि इनका प्रोटोकॉल जो है वो बड़े बड़े कंपनी गूगल फेसबुक यूट्यूब जैसा कंपनी जो है वो यूज़ कर रहे हैं। तो इससे बड़ी बात क्या हो सकता है, तो होल्ड करते रहिए। मैंने कल का एक वीडियो क्रिएट किया था कि मार्केट जो है वो किस लेवल तक जाएगा आने वाले टाइम में, यहाँ पे यूएस का इलेक्शन भी, वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो मैं आई बटन में दे दूंगा, आप जाके जरूर से जरूर वो वीडियो चेकआउट करना। वो वीडियो देखने के बाद आपको समझ में आएगा कि मार्केट का सिचुएशन जो है, मार्केट का हालत जो है वो किस दिशा में जा रहा है, किस तरीके से यहाँ पे आगे बढ़ रहा है। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको क्लियरिफाई हो गया। अगर हम यहाँ पे वेब थ्री का बात कर रहे हैं तो जैसे कि मैंने बताया था एंडिंग में वन ऑफ द फाइनेंस प्रोजेक्ट के बारे में बात करेंगे, तो वो है यहाँ पे पुश प्रोटोकॉल। पुश प्रोटोकॉल एक ऐसा प्रोजेक्ट है जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया था, मतलब बिटकॉइन जैसे आपको डिसेंट्रलाइज तरीके से फाइल शेयरिंग करने में मदद करता है, तो ये आपको डिसेंट्रलाइज तरीके से आप तक नोटिफिकेशन पहुंचाने का मदद करता है। मतलब मान लीजिए आपने आपका कोई भी डिसेंट्रलाइज कोई भी वॉलेट पे या कोई एक्सचेंज पे या डी ऐप पे आपने कुछ चीज़ें रखा हुआ है और उसका नोटिफिकेशन आप तक लाना है, आपको पाना है, तो उसका यहाँ पे आप इसका पुश प्रोटोकॉल के साथ उसको कनेक्ट करके, इसके एप्लीकेशन के साथ आप उसको कनेक्ट करके आप तक डिसेंट्रली जो है आप तक ये आप नोटिफिकेशन जो है वो पा सकते हैं। आने वाला टाइम में दुनिया जो रहने वाला है वो कंप्लीटली सेंट्रल अथॉरिटी से परे होने वाला है, कोई भी सेंट्रल अथॉरिटी जो है वो यहाँ पे वर्क नहीं करेगा, सभी कुछ चीज़ें जो है वो इंडिपेंडेंटली होगा और तब हमें नोटिफिकेशन का काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होगा। और ये मैं आने वाला टाइम जब बोल रहा हूँ तो इतना ज़्यादा दूर नहीं है, बस 5-6 साल के अंदर ही सभी कुछ चीज़ें जो है वो हमको डेवलप्ड होते हुए देखने को मिलेगा। धीरे धीरे हम उस दिशा में शिफ्ट हो जाएंगे, तब आपको पुश प्रोटोकॉल का प्राइस जो है अभी से यहाँ पे रिसेंटली अगर हम बात करें नीचे जाएंगे तो पुश प्रोटोकॉल ने कितना यहाँ पे रिटर्न दिया है तो आप देख सकते हैं ऑल टाइम लो से, मतलब 2 जनवरी से मतलब 2 महीने में इसने 130% का यहाँ पे रिटर्न दिया है। तो आप इससे समझ सकते हैं इस प्रोजेक्ट में कितना ज़्यादा ताकत है, कितना ज़्यादा हिम्मत है। अगर हम इसका वेबसाइट के बारे में बात करें, द कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल ऑफ वेब थ्री, ये एक बहुत ही बढ़िया प्रोजेक्ट है। आप इसका इसमें जाइए, गो थ्रू कीजिए, इसका वेबसाइट का लिंक जो है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, आप जाके यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। तो बिटकॉइन का अगर हम प्राइस प्रेडिक्शन के बारे में बात करें, आने वाला टाइम में हमको बहुत ही जल्दी जो है यहाँ से 2 से 3 जीरो जो है वो किल करते हुए देखने को मिलेगा, क्योंकि मार्केट उसी दिशा में जा रहा है और सभी कुछ चीज़ों का रेवोल्यूशन जो है वो वेब थ्री का तरफ हो रहा है। तो सभी कुछ लोगों का फोकस जो है वो इसी तरफ जाएगा और जब भी मार्केट में एक बुल रन आएगा तो सबसे पहले लोगों का मतलब इंटेंशनली ये दिशा रहता है कि जाके हम पेनी टाइप का कॉइन बाय करें, वो भी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कॉइन। तो उनका अगर ये माइंड में थॉट आएगा तो डेफिनेटली सबसे पहले उनका सामने जो है वो बिटकॉइन आएगा। तो ये चीजें जो है आपको क्लियर हो जाना चाहिए। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी क्वेरी है, प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, आई विल डेफिनेटली लव टू रिप्लाई दैट। तो चलिए इसी के साथ करते हैं आज का ये वीडियो खत्म। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पे क्लिक कर देना। तो चलिए लेते हैं आपसे विदा, मिलते हैं ऐसा किसी अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू।